तो ये देखिए, खुशबू घर को लीप रही हैं। ये देखिए खुशबू क्या क्या है? करने लगी, लीपने लगी। लीपने लगी। खुशबू कह रही है लीपने लगी। ये देखिए तसले, इसमें मिला हुआ है मिट्टी। और इसमें क्या क्या मिला हुआ है खुशबू? क्या मिट्टी गोबर पानी ये देखिए, इसमें मिट्टी गोबर पानी मिला हुआ है। देखिए ये देखिए कैसा लग रहा है, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए देखिए चूल्हे को लीप रही हैं, बहुत ही काम करती हैं खुशबू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बैठा हूँ इस टाइम अपनी मम्मी जी के पास, और मम्मी जी फ्राई कर रहे हैं पीठा। और बता दें आपको, कल शाम को पीठा बनाई थी तो बहुत ही ज़्यादा बन गया था, और बच भी गया था। तो जो बच गया था वही वाला मम्मी फ्राई कर रही पीठा। और आपको बता दें कि हमको जो फ्राई वाला पीठा होता है वही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो उबाल के बनाती हैं, उबाल के बनाती हैं मम्मी कल उबाले थे, जो मतलब जो उबाल के बनाती हैं मम्मी, वो वाला पीठा हमको इतना ज़्यादा पसंद नहीं रहता है। लेकिन जो उसके दूसरे टाइम जब उसे फ्राई करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है पीठा। और दिखाते हैं आपको पीठा। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, यही पीठा है। ये देखिए पेड़ा के तरीके से बना थी, देहे वाला है, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, ये देखिए अभी पेड़ा वाला भी और भी बचा हुआ है। पेड़ा वाला मतलब खाने में मज़ा आता है, पेड़ा वाला पीठा। ये देखिए, तो दोस्तों कुछ ही देर में पीठा फ्राई हो जाएगा, और खाते हैं और बताते हैं आपको कि कैसा लगता है। तो दोस्तों फाइनली पीठा फ्राई हो गया है, और अब हम जा रहे हैं खाने और खाकर बताते हैं कि कैसा लगता है। दोस्तों वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट फ्राई हुआ है, और बहुत ही मज़ा आ गया खा के, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और खाते हैं। दोस्तों वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है, मज़ा आ गया खा के। तो दोस्तों अब हमारी मम्मी जी ने भी ले लिया है पीठा, और ये देखिए मम्मी जी भी खा रही हैं। मम्मी जी आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है। आपको मतलब ये फ्राई ज़्यादा, फ्राई वाला ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो उबाला वाला? फ्राई वाला। क्या? फ्राई वाला। फ्राई वाला। मम्मी जी को भी फ्राई वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। और ज़्यादातर तो हम शाम को बना कर ही रहे। क्या? ज़्यादातर तो हम शाम को ही बना कर रख देते हैं, सुबह ही छोकते हैं ज़्यादातर, बहुत थोड़ा थोड़ा शाम को खाए थे। मम्मी जी हमारी कह रही कि मतलब शाम को बना लेंगी ज़्यादा, इसके बाद में फ्राई वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए सुबह के लिए बचा लेंगी, कि तो फ्राई करेंगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों ये देखिए प्रियांशु भी आ गया है, प्रियांशु भी खा रहा है। प्रियांशु, प्रियांशु कैसा लग रहा है तुमको बेटा? क्या? प्रियांशु कह रहा है नीक लग रहा है। और खा लो भैया, लो और खाओ, लो मेरा वाला बचा हुआ। खा लो, खा लो, पूरा खा लो, लो खाओ। तो दोस्तों मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा दे दिया था, और इतना बच गया है मैं खा नहीं पाऊंगा अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने। अभी मम्मी को देता, मम्मी जी से भी खा लीजिए आप। कितने खा? खा लीजिए आप, बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा इसको आप खा लिया। आपने थोड़ा ही खा दिया, मेरा प्लेट देखिए, अपना प्लेट देखिए, पूरा भरा था मेरा, मैंने अपना खा लिया सब। क्या? मेरा पूरा भरा था, खा लिया। अरे मेरा तो आपसे भी ज़्यादा, देखिए आपकी कितनी छोटी कटोरी है, मेरा देखिए कितना बड़ा प्लेट है, उसमें फैला था, ये गहरा है। नहीं अब खा लीजिए, मैं नहीं खा पाऊँगा लेकिन।
और ये देखो चंगू मंगू क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हो? ए प्रियांशु क्या कर रहे हो? मोबाइल देख रहे हो? क्या देख रहे हो? मोबाइल। क्या देखो मोबाइल में? देखे ये पढ़ाई नहीं करते, बस वीडियो ही देखो केवल। और ये तुम क्या कर रहे हो इधर इधर देखो, तुम क्या कर रहे हो? हम बैठे हैं। तुम बड़े उनको समझा नहीं सकते कि पढ़ो, ये बताओ। दोस्तों ये देखिए खुशबू घर को लीप रही हैं, ये देखिए खुशबू क्या करने लगी? लीपने लगी। लीपने लगी खुशबू कह रही है, लीपने लगी। ये देखिए तसले, इसमें मिला हुआ है मिट्टी, और इसमें क्या क्या मिला हुआ है खुशबू? मिट्टी गोबर पानी। क्या? मिट्टी गोबर पानी। ये देखिए इसमें मिट्टी गोबर पानी मिला हुआ है, देखिए ये देखिए कैसा लग रहा है, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए देखिए चूल्हे को लीप रही हैं, बहुत ही काम करती हैं खुशबू। सुबह कितने बजे सुबह ये उठेंगी? सुबह कितने बजे खुशबू? 6 बजे उठ जाती होगी ना? कितने बजे उठती हो बताओ? 6। और उठ के क्या करती हो सुबह सुबह? झाड़ू लगाते हैं सुबह, मतलब खुशबू 6 बजे उठेगी, इसके बाद में झाड़ू वगैरह लगाएगी। और दोस्तों हम लोग खा लिए हैं पीठा, और अब हमारी मम्मी जी बना रही हैं गर्मा गर्म चूल्हे पर दाल और चावल। और आपको बता दें चूल्हे पर कोई भी खाना हो तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही मतलब खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपको बता दें इसके पहले वाले दिन मम्मी रोटी बनाई थी चूल्हे पर, तो बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था। और आपको बता दें अगर आप शहर से बिलोंग करते होंगे तो शायद चूल्हा नहीं होगा, अगर आपको कभी खाने का मौका मिले चूल्हे की रोटी तो ज़रूर खाएगा, क्योंकि चूल्हे की रोटी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रहती है। और अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो ज़रूर ही खाए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि चूल्हे की रोटी आपको कैसी लगती है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग देखकर आपको कैसा लगा? आशा करते हैं कि आज का ब्लॉग देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप उसे देखें। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि ब्लॉग देखकर कैसा लगा। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।